हेलो दोस्तों, जाड़ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल राज और मैं आज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैं आपके लिए लेक्चर और ट्रिक दोनों की जीके जीएस की वीडियो इस चार स्टडी सेंटर पे लाता रहूँगा। हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो मैं वीडियोस लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगे, आपके एग्ज़ाम में सफलता के लिए काफ़ी मदद करेंगे, तो हमारे इस चैनल पर अब बने रहो। तो आज जो बात है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा ट्रिक है वह है बहुत ही सिंपल, ब्रह्मा की गोद में गंगा, एक लाइन की ट्रिक है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा से बन जाता है हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी, को यानी कि की से बन जाएगा कृष्णा, और कावेरी गोद से बन जाएगा गोदावरी, में से बन जाएगा महानदी, और गंगा से बन जाएगा गंगा। ठीक है, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्रा, को से कृष्णा और कावेरी, गोद से गोदावरी, में से महानदी और गंगा से गंगा ही। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और भारत की प्रमुख नदियां भी है ये, और हम सबको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं थी तो अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई होगी ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो अब हम देख लेते हैं इसे कुछ मैप की सहायता से, ताकि आपको पता होना चाहिए यह जो नदियां हैं इसका ओरिजिन कहां से है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखते हैं जो नदियां हैं इनमें से एक हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा का जो ओरिजिन होता है, गंगा जो निकलती है, यह निकलती उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनंद से। ठीक है, गंगा निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनंद से और ये भारत के प्रमुख राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम चेंज हो जाता है और यह पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यह, इसका जो ओरिजिन है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है। तिब्बत से होते हुए ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इसका नाम जो हो जाता है यह हो जाता है दिहांग, और इस अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से बहते हुए जैसे यह असम में प्रवेश करती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहती हुई यह जो नदी है यह बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में एक बार फिर इसका नाम चेंज हो जाता है और यह बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। अब यह जो जमुना नाम से बहती हुई ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा जो है पद्मा नाम से बहती हुई बांग्लादेश में जब एक साथ ज्वाइंट हो जाती है तो यह इसका नाम एक बार पुनः चेंज हो जाता है और यह फिर मेघना नाम से बांग्लादेश में बहने लगती है, और यह जो दोनों नदी है यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल को प्रभावित करती है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण नदियाँ थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, जिसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में गोदावरी नदी को, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। यहाँ पर महाराष्ट्र का नासिक है निकलती है, और ये अपनी नदी जो है अपनी पानी को बंगाली खाड़ी में गिराती है। हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी का। ठीक है, कृष्णा नदी का जो ओरिजिन है, कृष्णा नदी का यह हो जाएगा, इसका जो ओरिजिन है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का नदी निकलती है और यह भी अपना जो धारा है यह बंगाली खाड़ी में गिराती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी का। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में रहती है कावेरी नदी, क्योंकि कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद का विषय बना हुआ है काफ़ी दिनों से। तो कावेरी नदी का जो ओरिजिन जो होता है वह होता है कर्नाटक से। ठीक है,
ब्रह्मगिरी नामक जगह है कर्नाटक में, वहाँ से ही कावेरी नदी का ओरिजिन होता है और ये वहाँ से निकलने के बाद तमिलनाडु होते हुए अपनी नदी को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। हमारा आज का जो महत्वपूर्ण नदी है वह हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला है, वहाँ पे सिहबा पर्वत से महानदी निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद यह जो है उड़ीसा में एंटर करती है और उड़ीसा होते हुए अपना जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत का सबसे लंबा जो बांध है जिसका नाम है हीराकुंडा बांध, वह भी बांध जो है इसी महानदी पे ही स्थित है। तो हमने आज मैप के सहारा से और ट्रिक के सहारे से आज का हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जाना। तो इसी तरह मैं और भी आपके लिए ट्रिक्स और लेक्चर वाले वीडियोस अपने इस चैनल पे लाता रहूँगा। आपसे इतना रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।